नमस्कार दोस्तों, अभी जो लोकसभा आयोग है उसमें UPBCS का इंटरव्यू चल रहा है और मैडम अभी इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं। तो चलिए जानते हैं अभी इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा रहा है और कौन कौन से पोर्शन से पूछे जा रहा है। जी मैम, आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने की। थैंक यू। आपका नाम क्या है और आप थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है, मैंने ग्रेजुएशन में BTEC MTEC किया है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ अभी, और उसके बाद से मैं साथ में ही तैयारी कर रही हूँ। तो आपका ये किस बार सिलेक्शन हुआ था? सिलेक्शन मतलब मैं गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट में सिलेक्शन में प्रोफेसर है। हाँ, लेकिन अभी मैं मेरा ये थर्ड था और फर्स्ट इंटरव्यू था। थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था। जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? जो सवाल थे वो मेनली ज्योग्राफी से, मेरा ऑप्शनल जो है उसके अराउंड ही थे और बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन थे। आपको सिलेबस में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी के ही अलग अलग एस्पेक्ट से, कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, अगर रशिया यूक्रेन वॉर है तो उसको अलग अलग एंगल से एनालाइज करिए। अर्थक्वेक से बहुत क्वेश्चन थे, अर्थक्वेक की मिटिगेशन के लिए क्या काम करेंगे। एक सिचुएशन बेस्ड था कि अभी आपके सिर पे ये छत गिर जाए तो आप क्या करेंगे। दूसरा, अगर आप सीस्मिक जोन में हैं, आपको SDM बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन मेन ज्योग्राफी के था। बाकी बजट से क्वेश्चन थे कि आपने बजट देखा कि नहीं, यही मैं याद कर पा रही हूँ। मीडियम क्या था इंटरव्यू का, मीडियम क्या था और मेंस का क्या मीडियम? मेंस का मीडियम मेरा इंग्लिश था, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा मीडियम का कुछ होता नहीं है, वो पूछते नहीं हैं। अच्छा, आपसे डायरेक्ट, हाँ आप हाँ आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। एक बोर्ड के मेंबर थे, वो बहुत ही शुद्ध हिंदी में पूछ रहे थे, तो वो वहाँ मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी। बाकी तो आप नॉर्मल भाषा में ही वो पूछते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं कठिनाई भी हो रही होती है तो वो टेक्निकल या उसकी इंग्लिश क्या है वर्ड, तो वो चीज़ वो बोल देते हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशनल मैंने बताया, तो जैसे मैं BTEC और MTEC किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। चलिए, बाकी हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देश के कोने कोने से देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें इस फील्ड में आकर? तैयारी के लिए सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, जो भी NCERT है या जो बेसिक नॉलेज है वो आप स्ट्रॉन्ग रखें। उसके बाद जो भी रिकमेंडेड बुक हैं, जो सभी टॉपर सजेस्ट करते हैं हर सब्जेक्ट की, एक ज़्यादा से ज़्यादा दो रेफरेंस के लिए, उनको आप फॉलो करें, न्यूज़पेपर फॉलो करें और उसका कंपाइलेशन, मंथली मैगजीन आता है, चाहे विजन का फॉलो कर सकते हैं या बाजीराम का फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में जब आपके पास समय है तो मेंस आंसर राइटिंग करिए। जैसे अभी प्रीलिम्स 2 महीने के बाद में ही है, तो अभी आप आंसर राइटिंग छोड़ सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर लो आप, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं। मेन फोकस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पे करना है, इकोनॉमी, बजट और इन सब चीज़ों पे, क्योंकि 40-45 क्वेश्चन आपको UPBCS में मिलते हैं करंट से, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भी। उम्मीद करते हैं इसी बार आपका SDM के पद पर सिलेक्शन होगा।